मुझे शिनाहत नहीं है। जब वोट लेना था तो वो तब तो कह रहे थे कि फोटोकॉपी पे भी डाल दो। इसे कख भी नहीं देखा, किसी ने कोई गली नहीं बनाई, कोई गटर लाइन नहीं पाई। वोट वाले सिर्फ मीटर देंदे ने, बाकी तुसी अपनी तार लानी है। बिल्कुल आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है। मरियम आंटी जी इधर ग्राउंड बनाए खेलने के लिए। सरकारी पानी नहीं है, सरकारी कोई भी फैसिलिटी नहीं। बदमाशी चलती पी है सारे, यहाँ बेरोजगार है सारे, खुदकुशियां करन, एक दूसरे नु मारन, लड़ाई झगड़े करन। राशन वाला वोट इधर पहुंचे नहीं, जदों दे वो इत्थों जीत के गए ने दोबारा उन्होंने कोई नहीं इधर आए। हर एक दूसरा बंदा है बट अटा सी दा पेशेंट है। जदों वोट लेंदे उदो लैंड क्रूजर आंदियां, हुण कोई नहीं आंदियां। जदों आंदे हम बिजली चोरों के साथ नहीं है, रोड ते आण के बनाण। ए ते सी उहनां दे संभलो बकरे कुर्बानी दे, उहनां ने सानू आके कह दिता तुहानू चुरी फिर नहीं है, असीं हाजिर हो गए। सामने गैस दा पाइप जी, सामने पानी दा पाइप जी, वादी दलील हो रही है, बंद पाइप पिया है। केली सहूलत देनी है ना सानू, जलील ही करना ते तुहाडे कोल वोट लेते ने जिद्दां नास। 45 स्ट्रीम बटने यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला था हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे गैस भी देंगे, यहाँ पे लाइट खंबे भी लगवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज नहीं आई है। हम 1400 का तोरा नहीं ले सकते अटे का था। हमें राशन नहीं मिला मरियम साहबा जी, हमें राशन नहीं मिला। हमें यहाँ पे खेलने की सहूलियत दें। मरियम साहब की हुकूमत हम तो उन्हें साहब ही कहेंगे, अगर वो नहीं सुनेंगी तो वो भी इमरान खान के जैसी हुकूमत करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम लोग इसमें मौजूद हैं, रहमान पार्क का इलाका है। यहाँ पे अब्दुल अलीम खान साहब एमएनए की सीट से जीते हैं, गजाली सलीम भट्ट साहब एमपीए की सीट से जीते हैं, और ये जितनी तादाद आप यहाँ देख रहे हैं मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, पीछे मेरी माएँ मेरी बहनें मौजूद हैं, इन्होंने अपने वोट कास्ट करके इसलिए जिताया है ताकि इलाके के मसाइल हल हो सकें। अब वो मसाइल क्या हैं कि लोगों के घरों के बाहर आज भी गर्गियाँ मौजूद हैं, सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर लेस्को की बात की जाए तो बिल लोगों के घरों में आते हैं, लेकिन लोग अभी भी जो तारे हैं अपनी मर्ज़ी आपके तहत अपने तरीके से ही लोगों ने खंबे लगा के ना, जो खंबे यानी बाँसों बाँस को उसी को खंबे बना के लोगों ने अभी तारें लगाई हुई हैं। इधर ऊपर देख लें आप, यहाँ पर जोड़ हैं, तारें बिल्कुल सीधी हैं, खंबे यहाँ पर कोई है मौजूद कोई नहीं है। वासा के अगर निज़ाम की बात की जाए तो वासा का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। गर्कियों का मिला हुआ मिक्स पानी लोगों के घरों में आता है, सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर बारिशें होती हैं तो यहाँ पे कितनी कितनी देर तक पानी मौजूद रहता है। और अभी आगे गर्मियों का महीना आ रहा है, अभी ये रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, जिसमें लोगों की ये कोशिश होती है कि घर बैठ के शाम को रात को हमें एक रोटी मिल जाए, गैस होगी तो रोटी मिलेगी। गैस मौजूद नहीं है इलाके के अंदर, गैस का सिस्टम ही कोई नहीं है। अब इन इलाकों के बड़े बड़े वादे किए गए थे इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन पे आने से भी पहले, कि हम लोगों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन आज अगर रमज़ान के महीने में मैं लोगों के दरमियान में मौजूद हूँ तो इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि इन लोगों से किए हुए वादे, जो ऊपर बैठे वज़ीर आज़म साहब हैं या CM साहब हैं या नीचे MP MN है या छोटे मोटे इलाके के जो कारकुन होते हैं वो हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। आगाज़ करने को प्रोग्राम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सब किया आज खैरियत ठीक जे? ठीक ठाक है। कितना अरसा हो गया इस इलाके के बीच? हो गए 7 साल हो गए तकरीबन। 7 साल च की वेखिया जे नवा? इतने कख भी नहीं देखा, कोई सवरज नहीं है, कोई ना गैस है, गैस लैंड सही नहीं है, बारिश आई मतलब गिरकी है। मैं मतलब जेडी गल दसी मैं सही दसी है, बिल्कुल ठीक है, ओही ओही बात है। एनजी गल है ना, की दसया भला मैं? यही दसया कि ना सवरज नहीं है। हां, उस तो बाद गिरकियां भरियां। पहले मैं इनन गल के ना मिटाना करना इस बच्चे, गिरकियां भरियां सारियां, निज़ाम इसी तरह धर्म भरम है। गर्कियाँ की होंगे जरा वेखना नहीं, दसो जरा CM साहब ने दसो, वजीर आजम साहब ने दसो, गर्कियाँ की होंगे ने दसो। गर्कियाँ ही ग्रांत 25 फुट ग्रांत गर्की है ग्रांत, अपने हर दरवाजे के अगे सामने ग्रांत गर्की, 25 फुट खुदाई करनी पैंदी है, खुदाई करनी पैंदी है, फिर ईटा लानी पैंदी है, ईटा लाने तो बाद फिर जनाब बनाना पैंदा है, कुआं बनाना पैंदा है, फिर ते इस बहुत निज़ाम फिर की करदे होंदे हो? फिर वो ग्रांत उत्ते गटर करके तो अपनी लैंड अपनी ग्रांत सवरेज घर दा सी, अपने घर दा सवरेज करदे ने गर्की च बात जी जी। फिर उस तो बाद? उस तो बाद बस फिर अपना निज़ाम है, पीन दा जिहड़ा पानी आ रहा है निजाम कोई सेटिंग करेगा, खंबे लगान के गटर लैंड पाएगी, सारा सर्वे करके गया, एक दो दफा सर्वे भी होया, फिर हाले तक कोई भी नहीं इधर आया।
ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਟਕਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜਗਾ 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 ਹੀ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੇ ਤਨੇ ਆ ਰਹੇ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਨਾ 24-40 45-45 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੈਸ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਨ ਤੇ ਗੈਸ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂ ਨਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਂ ਇਧਰਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸਨ ਐਨਜੀ ਸਨ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਸੀ ਬਦਲਾ ਬੁਲਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨ ਬਾਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸ ਗਰਕੀਆਂ ਨੇ ਗਰਕੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਮਰਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 20,000 ਮੰਗ ਲੈਣ ਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕਿ 50,000 ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 30,000 ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਡੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਲਾ ਨਹੀਂ ਟਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਤਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪ ਡਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰ ਪਾ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਾਪ ਡਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਕੋਇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਓ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਉਹ ਵਾਪ ਡਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਗਰਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਿਕਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 25 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 30 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ ਵਜ਼ੀਰ ਸੋਰੀ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬੱਟ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਬਾਦਤਾ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਡੈਡ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਖਸੂਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸੱਪ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਊਚਰ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ
को ना ही इतने कोई सीवरेज सिस्टम की सारी रिक्वेस्ट है। मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करके दस रहा कि उही गंदा पानी साढ़े घर के बाहर गरकी गरकी नुमा की होंगे कि एक खूह खोदया जाता है, खूह खोद के उनके अंदर ही अपना जितनी गंदगी जो घर का मुकम्मल पानी जो गंदगी सारा कुछ गटर सटर उनके ही जाता है। बिल्कुल उही पानी जगह जमीन के थलियों असी बोरिंग की हुई है, उही बोर अटैच होता है और पानी दोबारा सानू पीन मिलता है। सरकारी पानी नहीं, सरकारी पानी नहीं है सर, सरकारी सरकारी पानी नहीं है, सरकारी कोई भी फैसिलिटी नहीं। हर एक अपनी अपनी मदद, गरीब लोग ने दो ढाई मरले का मकान, उन्होंने को अपने को होर इन्नी गुजाइश ही नहीं है सर कि असी अपने कोई अच्छी अपने आप वास्ते कोई पानी की सहूलत बना लीए। छोटे बच्चे तो बीमारियां च मुबतला हो सर, हर बंदा हर एक बुजुर्ग ने सर, हर एक दूसरा बंदा हाइपाटाइटिस सी का पेशेंट है, उनकी रीजन कि पानी अच्छा नहीं है, सीवरेज नहीं है। जो बारिश होती सर, जिस वक्त बारिश होती है ना, तो उस वक्त अगर आप आ जाए ना, कसम से कोई बंदा मरीज हो जाए ना घर, सिसक सिसक के वो जब तक पानी खुश्क नहीं होता, सिसक सिसक के वो अपने घर पड़ा रहता है, उनको रास्ता ही नहीं है। और ये अगर बारिश हो जाए, खुदा ना खासा किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, बारिश के बाद एम्बुलेंस सर नहीं, एम्बुलेंस 1122 वाले भी इधर परवट नहीं आते, वो कहते हैं सर उधर रास्ता ही नहीं, हम कैसे जाएं, मरीज इधर उसकी डेथ होगी, एम्बुलेंस पहुंची नहीं, 1122 वाले नहीं पहुंचे, वो कहते हैं कि भाई आगे रास्ते ही नहीं, हम कैसे आए। और खुद अपने आप क्या चार, वो पुराने जमाने वाले निजाम है कि चार पहियों के ऊपर मरीज को लेकर बाहर जाना है, पहले जितनी बाहर जाके कोई रक्षा देखना है ना, बाहर का रास्ते के हालात अच्छे हैं ना, कोई इधर अंदर के भी अच्छे हैं। और रही बात ये वापडा की, वापडा वाले बिल तो माशाल्लाह से आप सबको पता है बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन इधर फैसिलिटी कोई नहीं देता कि ये खंभे वगैरह नहीं है, ये पिछले हमारे घर के बिल्कुल साथ तार स्पार्क होने की वजह से जोड़ लगे होते हैं, जब चाहती वो खुद ही बनाते हैं लोग, वो स्पार्क हुई है, उनके घर का पूरा जल गया है, दो उसने भैंसे रखी हुई जिसके उसका घर का किचन चलता था, वो दोनों की दोनों भैंसे भी बीच में जल के मर गई। उसके मैं कहता हूँ कि वो तो इधर मीडिया वाला भी कोई नहीं पहुंचा, आपकी मेहरबानी आप पहुंचे, हमारा काम है, आपकी मेहरबानी आप पहुंचे, इधर मीडिया वाला भी कोई नहीं है कि जो हमारी आवाज आगे लेके जाए। सर हम सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी इस तरह के लगाते हैं, वो जहरी सी बात है, वो तो पहुंचती नहीं है, लेकिन हाँ इधर के बिल्कुल हालात खराब है। क्या मामला है उसका, कब्जे वाले इलाके में? नहीं नहीं कोई ऐसा इशू नहीं सुना, नहीं है ऐसा, मैं सुनिया कब्जे का मसला है इधर कोई? हाँ जी, मैं सुनिया थे वो मसला है भाई ना, मकान जो बुनिया का निजाम नहीं चलता पाया, स्टे लाते पे भाई इतने विके ने मकान बकायदा, फिर स्टे लाते हैं इतों के ने बदमाशी चलती पी है सारे आम, कोई शरीफ आदमी नहीं है ठीक है यार, जिदे को चार पैसे है बदमाश ही है, चोरी भी बदमाश ही है, कोई इतने आम बंदा कोई नहीं है ठीक है, लिहाजा इन्हों करना चाहिए ना, चोरी पिंड का बनना है, सारे सहूलियात पूरे करो ना, माड़े बंद की खिदमत करो, की करनी है, कुछ भी नहीं करना इन्होंने, बस अजलील ही होना ठीक है। असल च गल है माड़ा माड़ा ही है, तगड़ा तगड़ा बनता जा रहा, अमीर बनता जा रहा, माड़ा माड़ा ही है, वो थले का थले ही जा रहा है। हाँ जी, इतने बेरोजगार बहुत ने, रोजगार कोई नहीं है, की करो वो घर खुदकुशियां कर, एक दूसरे माड़ा लड़ाई झगड़े कर, बेरोजगार ने सारे, कोई रोजगार होवे, कोई टेंशन होवे, उन्हें कोई काम कार दा पता होवे तो करन, पढ़ाई देगी कोई नहीं, अनपढ़ ने तालीम कोई नहीं लगती। हां जी, देर ले आदा, इन्हें पूछा जाए, सख्ती की जाए। सर वो आपने हमारे साथ करना, जो हमारे घरों के साथ प्लाट है, अब सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो हमारे मैं पानी दिखाऊंगा, सबसे बड़ी बात इस मोहल्ले में हमारे से आपस में इख्तलाफ क्यों पैदा होते हैं, हर रोज जब अल्लाह की रहमत बरसती है, बारिश होती है ना, कसम से हमारे घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। उस लड़ाइयों होने की वजह क्या है कि हर एक का पानी एक दूसरे के घर से आगे से गुजरता है और साथ वाले प्लाट में जाता है, वो कहता है यार मेरे घर को नुकसान हो रहा है, मैंने पानी नहीं जाने देना, यकीन माने लड़ाई होती है प्लाटों में, जब पानी खड़ा होगा तो आपके घरों की बुनियादों में जाएगा ना। जी जी, अभी आप मेरे साथ चलते, मैं आपको दिखाता हूँ, तो सर बहनों से बात करके फिर आगे जी, हालात इसलिए खराब, सीवरेज सिस्टम पहुंचे आप तक, निकेबान दलीस पे पहुंचा मेरा साथी फोटो वाला, नहीं पहुंचे, ये सात पानी खराब हुआ, सात पानी खराब हुआ, वो सारा हमारी उसका नाम है जो नहीं है होती है ना, वो सारा बुनियाद, वो सारा डैमेज हो रहा है, उसका कोई इलाज नहीं करने वाला। मैं निकेबान प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, वो जो आटा आना था, राशन आना था, नहीं पहुंचे, कोई आया भी नहीं, पूछे मुझे कोई नहीं आया, कोई पहुंचा चाहिए सर, असर वो तो पहुंचे नहीं, वो जो निकेबान प्रोग्राम था, मियां साहब की फोटो वाला राशन, हाँ जी राशन वाला, वो तो इधर पहुंचे नहीं, एक दिन वो उधर बुलाया था कि आओ जी इधर, वो आटे वाली गाड़ियां आई हैं,
तो जिसका भी शनाख्त कार्ड नहीं नहीं तुम्हारा तो है ही नहीं, वो सारे वो खुद ही अरे खा गए, पता नहीं सब नन्ना है आप ही खा गए। तो अगर रशका नहीं भाजी आंदा इतने किन्ने एम्बुलेंस दूर की गल रशका नहीं आंदा बारो चौंक चो मोटरसाइकिल वो आंदे हैं पता नहीं केली केली शायद तड़वा बंदा अपना ते भाने ते किन्ने आईए मैंने लगा था तीन चार लोगों को मसला हैगा और किसी को मसला कोई नहीं आंदियां ते हैगियां जदों बोर्ड लैंदे उदों लैंड क्रूजर आंदियां हुण कोई नहीं आंदियां हुण इत्थे किसे दरवाजे नहीं खुलदे पे उदों सूरज सी ए बोर्ड लैण दे रोड नहीं लगदा पे ए रोड आण के वेखण उदों आंदे हम बिजली चोरों के साथ नहीं है रोड ते आण के बनाण सामने गैस का पैप जे सामने पानी का पैप जे वादी दलील हो रही है बंद पैप पिया खांदे आसे पाया ने इन्हू चालू कर इधर पानी कर 100-100 फुट पानी थले जान डे गंदा 30-30 फुट गर्गिया कड़िया ने थले 20-20 फुट बोर बोकी नाल हो गया है वो 50-60 फुट थले चला गया थले साफ पानी उन्दे जी मिक्स हो रहा है और गर्गिया तो नहीं पीन रही वो थले जमीन ची जान डे है उठो निकल के वापस आने वो वापस आन डे है किन्ना किन्ना अंदर जज्ब हो जाएगा सर पानी में से स्मेल आती है अभी इफ्तारी करने के बैठते हैं यकीन माने पानी देख पानी पीने को दिल नहीं करता जो आए सन भट्ट साहब तो लीम खान साहब पानी पियाना सी उन्होंने एक बारी उनके हाथ में अपनी बोतलें होती पानी की वो इधर का पानी पी लिए तो सर कैसे पिलाएं उनके पास उस वक्त वो कहते हैं नहीं नहीं कर लिया पिलाएंगे इलेक्शनों के बाद पहले नहीं उन्होंने वादा कर गया आप तो शुक्रिया करने भी नहीं आए मैं कहा वादे पे आ गए वो तो इतने जलील हैं दोबारा आने इधर आने के वहां का शुक्रिया कर जे वो तो शुक्रिया करने भी नहीं आए किसी का शुक्रिया करने आने आवाम का करने आए जिन्होंने वोट दिया है जिन्होंने कामयाब किया क्यों दिया था वोट पूछ रहा हूँ क्यों वोट क्यों दिया किसी को वोट दे के फायदे के लिए ही देते हैं ना फायदे के लिए देते हैं अपने काम के लिए बुनियादी सहूलियत के लिए अब आवाज सुन रहे हैं ना इत्थे वेख के तो ना आई हूं आवाज सुन रहे हैं ना वो आए इधर पंजाब हुकूमत ने एक ऑफर दी जी आवाम वास्ते आटे दी जी तुहानू आटा सस्ता मिलेगा जे तुसी अपना आई टी कार्ड तुसी अहल कराओगे और जनाब आई टी कार्ड अहल कराया आटे का तोड़ा 648 रुपए का यकीन जानो तुसी ओ रोटी खा भी नहीं सकते अगर जे साडी हुकूमत ओ रोटी खा सकती है तो फिर असी भी हकदार हो खाण दे हुकूमत च मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब जिहड़े भी साडे हुकमरान अगर जे खा सकते आ तो फिर असी भी खा सकते हैं सर साडे बच्चे बीमारियां नाल मर जांदे ने ओह हुकमरान जिहड़े उहनां दे इलाज बाहर हो जाते हैं वो रोटी खाते नहीं और साढ़े वास्ते बुरा छड़ दिता कि वाम बुरा खावे जड़े आटे सानू पहुँचते नहीं आटा ही ले ही नहीं सकते आटा तो भाई साड़ी जेब नहीं पैंदी मौला अली का कोल है कि जिथे रोटी महंगी हुई है ना उत्थे इज्जत सस्ती हो जाती हूँ इस तो अगर तुझे अंदाजा कर बड़ी बड़ी गल है बड़ी बड़ी जिथे रोटी महंगी हो गई उत्थे इज्जत का नीलाम ही होनी इज्जत मजलूम आवाम वास्ते है ना ये तो असीं उन्हां दे संभलो बकरे कुरबानी दे उन्होंने सानूं आके कह दिया तुहानूं चुरी फिर नहीं है अहीं हाजिर हो गए ਚੁਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 10-10 ਬੰਦੇ ਕਿ ਡਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵੋਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਉਹ ਡਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਡੀ ਉੱਡ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵਾਪਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਫੱਟੀਆਂ ਲਾਂ ਚੜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਡੀ ਲਾਂ ਚੜਿਆ ਆਪ ਹੀ ਚੜਿਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਧੁਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਹੀ ਕਰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੇੜੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਨਨ ਗੱਲ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਦੇਨੇ ਮੁਲਖਵਾਸ ਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਨੇ ਭਾਈ ਮੁਲਖਵਾਸ ਦੇਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਨੇ ਹੋ 50-50 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਨੇ ਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਨੇ ਆ ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਆਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਕਾ ਸਗਾ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਗਾ ਚਾਚਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਕੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਜੱਪੀ ਪਾਣ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਗੜਾ ਨਾ ਤੇ ਤਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਬਾਰ ਹੈ ਬਸ
बाकी ओदा फायदा कोई नहीं गा सानू जलील ही होना सी जाओ ना इना दे दफ्तर जाओ हां जाके गल करो यार जांदे रहे हां इथे जांदे रहे पूरी पूरी दिहाड़ी भांग सीधा टल्ली आंदा है हां सब दा सज्जन सब दा बेली सीधा टल्ली जेड़ा भी आंदा है अच्छा जेड़ा भी गया सियासतदान अच्छा ओ सियासतदान ना पिया सी ना मैं पता नहीं ओ कहता जेड़ा भी सियासतदान आंदा है सीधा टल्ली आंदा है फिर बड़े बड़े वादे करदा है हां इथे आंदे आ तेरे नाल हाथ मिलाएंगे जप्पी पहनेंगे घर जाके हाथ धो धोएंगे वधिया कपड़े धोने अपने वो यार वो गरीब आदमी ने जफी पाई है बुआ अलग पई है नहाओ ये तो ये ने ऐसे गरीब आदमी को कम लेने ने ऐसे गरीब आदमी को वोट लेने वोट लैन आंदे ने गरीब आदमी ना होएगा ना वोट लैन आंदे ने ये तो है ना मेरी खुली आवाज अच्छी दे टल्ली ने अच्छा सारियां नु ए सीधे टल्ली ने जिन्ने भी वोट लैन आंदे ने सीधे टल्ली ने बाजू सारी टल्लियां बच छड़दियां ने इन्हां नु सारा कुछ नजर आंदा वेख के गए ने वोट लैन तो पहले हुण हुण उन्हां नु की हो गया हैरान अभी अभी हमारे साथ चलें प्लीज ताकि जितने भी हमारे सीएम साहब हैं प्राइम मिनिस्टर साहब हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें ताकि पता तो चले कि हम किस हालत इतने मच्छर आए हैं इतने डेंगू का शिकार हो रहे हैं बच्चे मच्छर के जीने में रात सो नहीं सकते छोटे छोटे लोगों के बच्चे मैं बच्चों को संभालें अपने आप को सुबह वो काम करें हद तक ऐसी है कि इधर के इतने गरीब लोग हैं कि सुबह सुबह सारी रात वो अपने बच्चों की केयर करती हैं बैठती हैं सुबह उठ के वही जो औरतें ना आगे मजदूरी करने के लिए भी जाती हैं इतने बहुत ज्यादा जो हकदार है ना बेसिकल जो राशन के हकदार है ना हक हर चीज के ये हकदार हैं इनको तो बिल्कुल दूर दूर तक मिले ही कुछ नहीं बल्कि टीवी पे भी झलक इन्होंने देखी कि नहीं क्योंकि टीवी पे देखने की झलक तब होनी थी कि ये इनके पास टाइम हो ये तो अपने पेट के पीछे भागे हुए कि टीवी में क्या देखें मैं कहता हूँ मेरी माँ से मेरी बहन क्या हाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हमारे इलाके में कोई चीज की सहूलत नहीं है किसी चीज की भी सहूलत हो वो मौजूद नहीं है हमारे इलाके में ना स्कूल है कोई ना सरकारी स्कूल है यहाँ ना पानी है ना गैस है कोई चीज नहीं है ना लाइट है ठीक है खंबे यहाँ पे आपको दिखा सके कैमरामैन कोई खंबा नहीं नजर आ रहा कोई लाइट नहीं है और हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ सकते हम इतनी फीस नहीं अदा कर सकते बराह मेहरबानी जब वो वोट लेने आए थे गजाली सलीम भट्ट यहाँ पे वोट लेने आए थे हमारे पास ठीक है उन्होंने बोला हम यहाँ पे स्कूल भी मुहैया करेंगे हम यहाँ पे आपके बच्चों के लिए स्कूल मुहैया करेंगे आपके छोटे छोटे बच्चे ये हमारे बच्चे हैं जैसे आपके बच्चे ये सब हमारे बच्चे ये हमारा देश है ये हमारा पंजाब है ये पाकिस्तान हमारा पंजाब है हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे गजाली सलीम भट्ट ने यहाँ पे आए थे उन्होंने बोला था हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे यहाँ पे गैस भी देंगे यहाँ पे लाइट खंबे भी लगवाएंगे ठीक है यहाँ पे कोई चीज नहीं आई है वोट लेने आए थे दो तीन बार इन्होंने जलसा किया हमारे मोहल्ले में आके जलसा किया औरतें भी इकट्ठी की मर्द भी इकट्ठे हुए हम सब ने वोट दिए इनको ठीक है हमारे बच्चों को लिए अपने बच्चों के लिए दे दिया हमारे बच्चों को स्कूल मिले ठीक है अच्छी पढ़ाई मिले लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ठीक है बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क है मेरी कोई चीज नहीं है कोई चीज नहीं है पानी भी नहीं है पानी पीने के लिए सरकारी पानी यहाँ पे मौजूद नहीं है ठीक है जिसके पास पैसे हो वो बोर्ड करवा ले जिस गरीब के पास पैसे नहीं है वो हमसाये के घर से भर के बोर्ड करवा के भी तो गंदा पानी आ रहा है ना वही 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 पीना तो है ना गंदा पिए साफ पिए पी के तो जीना है ना अगर नहीं है बोर्ड तो हमसाये के घर से ला के पीना पड़ता है हमें ठीक है दूसरी बात ये है कि वो जो मरियम नवाज साहब ने वो भेजी हैं गाड़ियां राशन देने के लिए पे आपके ये घर की दहलीज पे राशन आएगा ठीक है राशन देने के लिए गाड़ियां भेजी हैं हमने अपने कार्ड चेकअप करवाए हैं ठीक है उन्होंने बोला आपके कार्ड चेकअप नहीं अहल नहीं है उन्होंने बोला आपके कार्ड अहल नहीं है ठीक है नहीं है उनको ये कार्ड तब अहल था जब आपको वोट डाल रहे थे पूछा था मेरी बहन आपके कार्ड अहल नहीं 18 तारीख को मैंने अपना कार्ड चेक करवाया उन्होंने बोला अहल नहीं है 21 को फिर गाड़ी आई है फिर मैंने चेक करवाया अपना कार्ड उन्होंने बोला बहन आपका कार्ड 18 तारीख को चेक हो गया हुआ चेक हो गया और आपका राशन वसूल हो गया हुआ हो गया मेरी बहन राशन वसूल हो गया अगर वो राशन देते है ना तो वो तस्वीर भी साथ लेते हैं राशन का तोरा पकड़ा के हैंड में तस्वीर भी लेते हैं हाँ जी। अगर मैंने राशन लिया तो मेरी तस्वीर दिखाएं मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं खाने के लिए मेरी तस्वीर दिखाएं घर में छोटे छोटे बच्चे रोजा हम कैसे रखते हैं हम 1400 का तोरा नहीं ले सकते आटे का थैला हम नहीं ले सकते हम गरीब आवाम है हमारा कुछ ख्याल कीजिए हमने आपको वोट दिया और आप हमारा ख्याल नहीं करे बराह मेहरबानी हमारा ख्याल कीजिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं शुक्रिया मेरी बहन मुकम्मल ख्याल करें थोड़ा बहुत ख्याल ना करें आप टैक्स देते हैं ये आप ही के पैसों का राशन है ये उनकी जेब से नहीं आया ये मरियम बाजी की जेब से नहीं आया हर चीज का हम टैक्स देते हैं हर
पर्चेस लेना जाए ना 10 रुपए की, उसमें भी हमारा टैक्स होता है। आटा लेना जाए, चीनी लेना जाए, हर चीज में हम टैक्स वसूल देते हैं, लेकिन हमारा ख्याल नहीं है। लोगों ने कहा था दहलीज पे मिलेगा आपको, ट्रकों के पास जाना ही नहीं चाहिए। मेरी बहन ने दहलीज का कहा था, दहलीज पे लाके देखे मेरी बीबी को। हमें राशन नहीं मिला मरियम साहबा जी, हमें राशन नहीं मिला। बराह मेहरबानी आप खुद आए, यहाँ के हालात देखे एक मरतबा के, और हम गरीबों के घर हमारा राशन पहुँचाए। मेहरबानी, हमारा हक हमें दे। हमारे पैसों के मेरी बहन, ये हमारे पैसों के, ये मैं कह रहा हूँ, हमारा हक हमें दे प्लीज, मेहरबानी। आप ये शिनाहत नहीं है, जब वोट लेना था तो वो तब तो कह रहे थे कि फोटोकॉपी पे भी डाल दो। ये देख कख भी नहीं देखे, किसी ने कोई गली नहीं बनाई, कोई गटर लाइन नहीं पाई। हाँ। वाक वाले सिर्फ मीटर देंदे ने, बाकी तुसी अपनी तारा लानी है। हाँ। बिल्कुल आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है। मरियम आंटी जी इधर ग्राउंड बनाए खेलने के लिए, सरकारी पानी नहीं है, सरकारी कोई भी फैसिलिटी नहीं। बदमाशी चलती पी है सारे, बेरोजगार है सारे, खुदकुशियां करन, एक दूसरे नु मारन, लड़ाई झगड़े करन। राशन वाला वो तो इधर पहुंचे नहीं, जदों दे वो इत्थों जीत के गए ने दोबारा उन्होंने कोई नहीं इधर आए। हर एक दूसरा बंदा है बट सीधा पेशेंट है, जदों वोट लेंदे उदों लैंड क्रूजर आंदी आ बोला था हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, यहाँ पे गैस भी देंगे, यहाँ पे लाइट खंबे भी लगवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज नहीं आई है, किस वजह तो देने, इस वजह तो देने की सानू सहूलत हो। हम 1400 का तोरा नहीं ले सकते आटे का था। हमें राशन नहीं मिला मरियम साहबा जी, हमें राशन नहीं मिला। वाशिफ अंकल हमें ग्राउंड बना के, हमें यहाँ पे खेलने की सहूलियत दें। मरियम साहब की हुकूमत, हम तो उन्हें साहब ही कहेंगे, अगर वो नहीं सुनेंगी तो वो भी इमरान खान के जैसी हुकूमत करेंगे। माजी यहाँ पे रोड नहीं है, रोड की वजह यहाँ पे रोड नहीं है, रोड की वजह से अभी कल एक्सीडेंट हुआ है। स्कूलों में मच्छर बहुत है, भी मच्छर होंगे यार स्कूलों में, मच्छर है घर पे भी। हाँ जी, बीमारियां ऐसे फैल रही हैं मच्छर की वजह से। हॉस्पिटल में 10-10, 20-20 हजार लग रहा है। ये हमारा बंदा कैसे भरे इतने पैसे। देखो बच्चे, बच्चे को पता नहीं गल, बच्चा है जो इनकी उम्र, सानू नहीं पता गल की होंगे ने, मुसीबत वेखता पे तो हो रहे ना। मच्छर इतने हैं ना, ग्राउंड ग्राउंड खेलना हो तो अपने घर के बाहर खेलो, प्लॉट में खेलो। हाँ जी, प्लॉट में पानी जमा हो जाता होगा, छप्पर की वजह से कीड़े मकोड़े जाती है, पानी की भरने की वजह से बोल के जाए तो मेरा भाई गंदगी पैरों को लग जाती है। जो सियासतदान होते हैं इनका पता कौन होते हैं, पता है कौन होते हैं सियासतदान? जो बगरवाच नहीं, वैसे कौन होते हैं, क्या काम उनका, काम क्या होता है बताओ मुझे, वो मैं बहन से पूछूंगा बाद में। गट्टा साफ करना। किनका काम होता है वो, उनका काम क्या होता है? जंगलों का। हाँ यार खैर, उन बच्चों को गल कर लें दो यार, एक शासनदान का क्या काम होता है मेरा बेटा बताओ, कौन होते हैं पता है आपको कौन होते हैं? अपने मुल्क का काम करें। काम करते हैं ना। हाँ जी सही, कोई बात नहीं, आप अभी छोटे, आपको पता चल जाएगा बड़े होके, अपने मुल्क का काम करें, ये उनकी ड्यूटी होती है पता है आपको। या आपके जो बड़े उनको वोट देते हैं ना, उनका काम है आपको ग्राउंड दें। हाँ जी, अब ये कैमरे में देख रहे हैं आपको, बड़े लोग कौन देख रहे हैं, बल्कि बड़े लोग कौन है, ये नवाज शरीफ दोनों को बोले, नवाज शरीफ अंकल, नवाज शरीफ अंकल हमें ग्राउंड बना के सड़कें बनाए, हमें यहाँ पे खेलने की सहूलियत दें। हाँ जी, मरियम आंटी भी है, मरियम आंटी को बोले, मरियम आंटी जी इधर ग्राउंड बनाए खेलने के लिए, इधर गंदा पानी आता है, हम पी के बीमार हो जाते हैं। स्कूल बना के दें, ना स्कूल है इधर, ना इधर खेलने के लिए है ग्राउंड वगैरह, तो गंदा पानी है, हम पी के बीमार हो जाते हैं। ना इधर हॉस्पिटल है, बीमार हो जाए तो इधर एम्बुलेंस भी नहीं आती। बोले मरियम आंटी एक बार आ जाए इधर देख लें, एक मिनट, उनका नाम लेके मरियम आंटी एक बार आ जाए इधर, आप इधर देख के बोले, आपको देख रही है पता है। जंगल में से लकड़ियां लानी पड़ती हैं, गैस नहीं आती, ठीक है, पानी भी ऊपर से ये गड़कियों वाला मिक्स हो के गंदा पानी आता है। हाँ जी, माजी दसो, बच्चे सच बोलते हैं, मेरे तरी मना कोई गलत गल करते पे ने, गाड़ी तो उम्र लंग गई सारी लग गई, पानी वाले खाता कोनी ना को गैस ना बत्ते ना लानी ना देने। और राशन मिलिया जे माजी, राशन रोशन क्या है, दो बारी गड्डी आई तो मरियम नमाज ने आखे पिछा ही लाया, मरियम नमाज ने किया सी ले लो, वो ने आखे से गल्या जे ते अगा खावन वाले खा। हां हुन ते सानू चाहिए कि नहीं चाहिए माजी, चाहिए चाहिए, दसो ना उनां नूं, मैनूं राशन चाहिए, राशन चाहिए है गजे देवन, किनू कह रहे हो, मरियम नमाज ने की कह रहे हो,
ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਐਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਮਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਮਾਜੀ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਧਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੇਸ ਲੈਣ ਗੇਸ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰੀਸ ਲੱਭੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਪਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਆ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਜਗਾਨ ਮੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਭੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਕਾਟ ਇਧਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਕਾ ਇਧਰ ਕਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਨਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਟਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਦ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਜਾਤਾ ਹੋਗਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੇ ਪੀਚੇ ਬੀਚ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਬੀਚ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚਲੇਗੇ ਮਾਜੀ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਗਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਅਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਆਨੇ ਸੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਹੈ ਹਮ ਨਏ ਆਏ ਹੈ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੋ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਯਾ ਇਧਰ ਕੇ ਨਏ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਆਰਫ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਗਲੀ ਮੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਆਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ ਆਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਕਾ ਤੀਨ ਚਾਰ ਭਾਈ ਹੈ ਮੁਝੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਮਤਲਬ ਅਭੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੂੰ ਨਾ ਇਧਰ ਕਿਸੀ ਬਸ ਹਮਾਰੀ ਗਲੀ ਮੇ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਹੀ ਹੈ ਵੋ ਜੋ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ ਵਟਸਐਪ ਸੇ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ ਯੇ ਆਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਆਪਕੇ ਇਲਾਕੋ ਮੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਛੁਡਵਾਉਂਗਾ ਔਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਨਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਧਰ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਮੰਨਤੀ ਹੈ ਅਮਰ ਰੋਡ ਕੇ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਮੰਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੈ ਥਾਣਾ ਉਧਰ ਉਧਰ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਬਾਤ ਉਨਕੀ ਮੰਨਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ ਹਮਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੇ ਬਾਤ ਮੰਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਕੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਹੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਨਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਟਿਕ ਹਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਫਰਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨਕੀ ਮੰਨਤੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੜ ਹੈ ਚੰਗੜ ਚੰਗੜ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਂ ਕੋ ਚੌਧਰੀ ਬੋਦਰੀ ਪਿੰਡ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਨਏ ਆਏ ਹੈ ਚੰਗੜ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਦਿਖਨੇ ਮੇ ਚੰਗੜ ਹੀ ਲਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬੱਚੇ ਇਤਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਮੇ ਵੋ ਜੀ ਬੱਚੋ ਕੋ ਮਨਾ ਕਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਯੇ ਸੰਡੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਨਾ ਹਮ ਕਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਤੇ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 80-85 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ ਵੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਬੱਚੋ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਹਮ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਪੜੇ ਹਾਂ ये तंगी की जाती है ये हमने तंगी अगर आप लोग 15 की कॉल करें तो पुलिस नहीं आएगी नहीं पुलिस आती है लेकिन उनकी बात मानती हमारी मानती नहीं कुछ इशू ही नहीं लेते जी मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम हमारे घर से 4 मोबाइल उठा के ले गए हैं वो चोर भी हैं और वो कब्जा ग्रुप भी हैं अच्छा और साहब जो उनके बड़े हैं ना वो बच्चों से जो भी काम करवाना होता है फिर बाद में कह देते हैं कि वो बच्चे हैं लेकिन वो इस तरह के लोग के इंसान को मार भी दे ना वो मानते नहीं है हमने मारा इसको इतने बुढ़े लोग हैं वो ऐसे वो क्या कहते हैं तो माजी पिंड में एक बंदों की मर्दों की तादाद है नहीं जाके उनसे पूछा नहीं है वो कह रहे ये गंदे लोग हैं इनको मुंह ना लगाओ ये गंदे लोग हैं फलाने टीना हम शरीफ लोग हैं इधर हम बिस्त हो रहे हैं इन गंदे लोगों से गालियां निकालते हैं इतने बुढ़े लोग हैं बदतमीज उनके बड़े भी गालियां निकालते हैं औरतों की इज्जत का उनको पता ही नहीं है फिर वो जो बच्चे आने के बारे में जाता है ना कि ये आपके बच्चे की गलती है आप इसे मना करें तो वो मानते ही नहीं ऊपर से बदतमीजी करते हैं चाहे औरत हो या जो कब्जे ग्रुप की बात हो रही है अच्छा निगरान प्रोग्राम की बाजी क्या बातें हैं
आपके पास इस पे राशन पहुंचना नहीं था पहुंचा भाई। बाजी मरियम का नहीं पहुंचा बताया उनको नहीं पहुंचा मेरी बहन नहीं भाई हमें उन्होंने तो कहा था मुझे आप लाइन में लगेंगे तो तकलीफ होगी लेकिन कोई नहीं हुई लाइन में क्या उधर रश में भी नहीं कोई राशन फिर लाइन में लगी हुई है फिर रश में लगी हुई है फिर आप पीछे भाग रही है ही नहीं तादाद ऐसे रश पड़ा हुआ किसका कार्ड है ये सबसे बड़ी बात जी अभी मेरा सादा है ना मतलब शनाख्ती कार्ड मेरा ना वो चिप वाला नहीं है फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ ना तो उन्होंने कहा ये चेक ही नहीं होते चिप वाले होते हैं मैंने फिर ये बात की है मैंने कहा ये चिप वाले जब आपने वोट लिया था तब ये सादे का वोट ले लिया था अब आपने कहा है कि ये चिप वाले होने चाहिए ये शनाख्त नहीं है इंसान की ये शनाख्त है अब ये शनाख्त नहीं है जब वोट लेना था तो तब तो कह रहे थे कि फोटो कापी पे भी डाल दो हाँ जी वेरी गुड ये फोटोकॉपी पे भी डाल दो तो आप ये शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो चिप नहीं है हम अचानक चिप कहाँ से लेके आए मेरी बहन असल में उनका भी कसूर कोई नहीं है ना जो ट्रकों में बैठे हुए हैं बात ये है कि पीछे से लिस्टें बना के ऊपर से आएंगे ना मेरी बहन चिप की बात कर रहे हैं ना चिप की बात कर रहे हैं चिप का तो कोई मसला ही नहीं जब वोट लेना था फोटोकॉपी से भी ले रहे थे अब चिप का ये काम था कि अलीम खान साहब आके बांटते भट्ट साहब आके बांटते जिनको आपने वोट दिए हैं जी बिल्कुल उनके उनका काम था कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल शनाख्त नहीं है जब वोट लेना था तो तब तो कह रहे थे कि फोटोकॉपी पे भी डाल दो ये देख कख भी नहीं देखा किसी ने कोई गली नहीं बनाई कोई गटर लाइन नहीं पाई वाकट वाले सिर्फ मीटर देंदे ने बाकी तुसी अपनी तारा लानी है बिल्कुल आने वाली नस्ल बर्बाद हो रही है मरियम आंटी जी इधर ग्राउंड बनाए खेलने के लिए सरकारी पानी नहीं है सरकारी कोई भी फैसिलिटी नहीं बदमाशी चलती पी है सारे यहां रोजगार है सारे खुदकुशियां करन एक दूसरे नु मारन लड़ाई झगड़े करन राशन वाला वो तो इधर पहुंचे नहीं जदों दे वो इत्थों जीत के गए ने दोबारा उन्होंने कोई हर एक दूसरा बंदा है बट एटसी दा पेशेंट है जदों वोट लैंदे आ उदों लैंड क्रूजर आंदियां हुण कोई नहीं आंदियां जदों आंदे हम बिजली चोरों के साथ नहीं है रोड ते आण के बनाण इह देसी उहनां दे समझ लो बकरे कुर्बानी दे उहनां ने सानू आके कह दिता तुहानू जुरी बिल नहीं है असीं हाजिर हो गए सामणे गैस दा पाइप जी सामणे पानी दा पाइप जी बादी दलील हो रही है बंद पाइप पिया है केली सहूलत देनी है ना सानू दलील ही करना ते तुहाडे कोल वोट लैते ने जिद्दां नास 45 स्ट्रीम बटने यहां पे आए थे उन्होंने बोला था हम यहां पे स्कूल बनाएंगे यहां पे गैस भी देंगे यहां पे लाइट खंभे भी लगवाएंगे ठीक है यहां पे कोई चीज नहीं आई है हम 1400 का तोरा नहीं ले सकते अटे का था हमें राशन नहीं मिला मरियम साहबा जी हमें राशन नहीं मिला हमें यहाँ पे खेलने की सहूलियत दें मरियम साहब की हुकूमत हम तो उन्हें साहब ही कहेंगे अगर वो नहीं सुनेंगी तो वो भी इमरान खान के जैसी हुकूमत करेंगे और यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर मुस्लिम और मसीह इकट्ठे लोग यहाँ पे रहते सब पाकिस्तानी पाकिस्तानी पहले मेरी बहन यहाँ पर किसी के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है सब लोग गहरी मुसीबतों का शिकार है किसी चीज की कोई थोड़ी बहुत ही सहूलियात तो ये भी नहीं है यहाँ पर शहरों में देखा जाता है तो बहुत सारे जो हैं बस्तियाँ बड़ी स्टैब्लिश हैं लेकिन यहाँ पर लोगों को ऐसे डिग्रेड किया जाता है कि यहाँ पर जैसे कोई लोग रहते नहीं यहाँ पर कोई जानवर रहते हैं जानवरों जैसा सलूक है यहाँ पर जून जुलाई के महीने में यहाँ पर इतनी बारिशें होती हैं कि इंसान अपने घर में लॉकडाउन होके रह जाते हैं और कभी कोई स्प्रे के लिए नहीं आया और डेंगू और बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने अपने पानी गंदे पानी की निकासियाँ बाहर की हुई हैं और किसी की बात कोई नहीं सुन रहा मेरी बहन गंदे पानी की निकासी हाँ तो होगी ना क्योंकि सीवरेज सिस्टम ये घर की है ये जिसमें हम खड़े हैं क्योंकि कोई आके यहाँ पर देखने वाला ही नहीं है जिसमें हम खड़े हैं ये घर की है ये घर की है ये होते हैं कुएं ये होते हैं लोगों के अपने मेल हॉल अपने बनाए हुए मेल हॉल इमारतें खराब हो रही है और कुछ लोग अपनी घर की बचत कर लेते हैं तो पानी बाहर निकाल देते हैं चाहे किसी का मकान उसके बच्चों के ऊपर गिर जाए मेरी बहन आपस की है ना काम महकमों का है जो कर नहीं रहे काम सियासतदानों का जो कर नहीं रहे मकसद है कि इन्हें चाहिए कि ये यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें किन किन को चाहिए हुकूमत के सरबराहों को मरियम मरियम को और नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि यहाँ का भी दौरा करें ये पाकिस्तान बनने से पहले की बस्ती है कभी कोई यहाँ पर कभी भी नहीं आया कभी यहाँ पर आके किसी ने देखा ही नहीं कि यहाँ पर भी कोई लोग बसते हैं
और यहाँ से वोट लेने आते हैं, देखते हैं, मिलकर गए हैं आपको मेरी बहन, वोट लेने आते हैं, लेकिन कभी किसी ने आके यहाँ पर देखा नहीं है कि यहाँ पर सहूलियात की भी बड़ी जरूरत है, इंसानी बुनियादी सहूलियात हैं आपकी, जो आपका आपका हक है। कभी जो गरीब आवाम है वो सिलेंडर भराते हैं, कभी कभी लोगों के घरों में सिलेंडर फट जाते हैं, नुकसान होते हैं, जाने चली जाती है, लकड़ी जलाएंगे वो भी बीमारी है। चलो गैस की सहूलियात बाहर है, थोड़ा सा अंदर उसका कनेक्शन दे, लोग इस सहूलियात को इस्तेमाल करें और ये चीज को सोचते नहीं। इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने भी आवाम के साथ बदसलूकी की, वो चलेगी आगे से नहीं हुकूमत आ गई। अब मेरी बहन से बात करते हैं, मरियम साहब की हुकूमत आई है, अब मरियम साहब की हुकूमत, हम तो उन्हें साहब ही कहेंगे, हाँ जी, क्योंकि अगर वो नहीं सुनेंगी तो वो भी इमरान खान के जैसी हुकूमत करेंगी। कैसी हुकूमत? नकम्मी हुकूमत। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बड़ी प्यारी बात है मेरी बहन। यहाँ का निजाम ही बहुत गलत है, अब यहाँ मोहल्ले वाले भी ठीक नहीं है, और पानी इतना होता है कि इंसान गुजर नहीं सकता, नमाज के लिए जाए पढ़ने जाए वो भी नहीं पढ़ सकता, इधर से होता है उधर से ने जाना होता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, और घर की वगैरह उसका पानी, और बच्चे बीमार हो रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाए वो भी नहीं पूछते। मैं जब से आया हूँ ये मेरे ख्याल से अभी स्कूल का टाइम है, बच्चे फिर रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते भी नहीं है, और ये जो गवर्नमेंट स्कूल है इसका तो निजाम बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बच्चों के खेलने के लिए ये ग्राउंड है, ये हुकूमत ने बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड दी है, ये अपने मतलब आपके ये ग्राउंड है, ये नीला कार्पेट, यहाँ बच्चे खेलते हैं बेचारे, गंदी गालियां निकालते हैं, बुरा हाल है, और यहाँ पे वो घर तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे तो तबीयत तो बुरी होगी ना, तो गालियां निकालेंगे ना, बच्चे क्या करेंगे माजी, और हाँ जी जब स्कूल नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ते नहीं, जाहिर है उन्होंने गालियां निकालनी है। बुनियादी सहूलियात वैसे नहीं है, हाँ जी आप बता रही हैं, तार गटर, और ये तारों का रोजाना हमारी लाइट खराब रहती है, इतनी दूर से तार आ रही है, इतनी दूर से पीछे कोई लाइट ठीक करने नहीं आता, खुद ही आते हैं, बिल लेंगे ठीक है, और राशन का भी कोई नहीं है, हम घर हम खुद घर पे आके देंगे, कोई भी दे नहीं जा रहा अभी तक, ये मरियम साहबा ने अभी तक कह रही है लेकिन आता है कुछ कोई भी नहीं देने के लिए, ऐसा ही है, नारे लग रहे हैं तो नारे, और हाँ जी, और मेरे शोहर के पास नौकरी भी नहीं है, वो तंग होते हैं बहुत, मजबूरी में फिर जाहिर है कोई ना कोई काम करना करते हैं, दस बारी लाइन में लगते हैं, राशन मिलता नहीं, कहते नहल नहल कहाँ से नहल हो जाते हैं, चिप वाला भी लेकर जाते हैं, चिप वाले में भी नहीं देते। मैं ये समझा मेरी बहन कि आपके घरों में आना चाहिए, आपके घरों में नहीं आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना माजी, हाँ आपके घर तक पहुंचना चाहिए। नाज़िम रहमान पार्क के इलाके में मौजूद था मैं, यहाँ से अब्दुल अलीम खान साहब जीते हैं और नीचे से गजाली स्टीम भट्ट साहब जीते हैं, इलाके का आप हाल देख लें एक बार, मैं फिर कैमरे से आपको दिखा दूँ, यहाँ जरा साइड से होकर दिखाओ हम सड़क का भजन, ये सड़कें आपकी, ये मलबा है आपका, इस मलबे से गुजरते हुए लोग यहाँ से आगे जाते हैं, और हर साइड पर प्लॉट हो या कोई भी जगह हो, कोई भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर पानी जमा किया जाता है, ये लोग वहीं पानी जमा कर सकते हैं, पानी निकलने का कोई निकास नहीं है। बादशाह LWMC ज़िले इंतज़ामिया लेस्को हमें इस इलाके में कहीं दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही। अगर निगेबान राशन प्रोग्राम की बात की जाए, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम वो है कि जिसमें इस आवाम, ये मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, ये वो फैमिलीज़ हैं जो डिज़र्व करते हैं राशन को, इनसे जो वादे किए गए दहलीज पर राशन पहुँचने के नहीं पहुँच सके। मेरी माँ ने बड़ी सीधी बात की, बड़ी बड़ी प्यारी बात की, मेरे पीछे मौजूद हैं, उन्होंने कहा अगर मरियम साहिबा ने अब भी अपना वादा ना किया तो फिर ये हुकूमत भी हम साबका हुकूमत की तरह निकम्मी समझेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में एक बात मैं और बता दूँ, गजाली स्टीम भट्ट साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने खुद उनसे ये सवाल किया था खड़े होकर उनके पास कि जी आपके इलाके में कब्जे हैं, क्या आप कब्जे छुड़वा सकेंगे? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे साथ इसी कैमरे में वादा किया था, अगर वो क्लिप होगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, ये वादा किया था कि जी मैं इस इलाके से कब्जे ख़त्म करूँगा। तो गजाली स्टीम भट्ट साहब वक्त आ गया है, मौका अब आपके हाथ में है, सल्तनत अब आपकी है, हुकूमत अब आपकी है, इस इलाके में कब्जे हैं, छुड़वाने आपने हैं, हॉस्पिटल आपने बनवाने हैं, स्कूल आपने बनाने हैं, दरसगाहें आपने बनानी हैं, मस्जिद आपने बनाया है, तमाम इबादतगाहें अब आपने बनानी है, जिम्मेदारी अब आपकी है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है, अगले प्रोग्राम पे अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए, आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।